विशाल ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक कमाल का एक्सपेरिमेंट। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास है ये आइस क्यूब। तो दोस्तों आइस क्यूब को आपने देखा होगा, जब भी आप बचपन में आइसक्रीम खाते होंगे, कुल्फी खाते होंगे, जो कुल्फी वाला होता है आपने देखा होगा उसके पास ठेला या फिर जो भी चीज होती है उसमें बहुत बर्फ भरा हुआ होता है, लेकिन उसका बर्फ बिल्कुल भी नहीं पिघलता है। तो यही हमारा आज का एक्सपेरिमेंट है और मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ आखिर हमारा बर्फ क्यों नहीं पिघलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो ये आइस क्यूब है, जैसे कि हवा के संपर्क में आ रहा है तो ये पिघलना शुरू हो जाता है, लेकिन हम इसको पिघलना रोकेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नमक यानी कि सोल्ट होता है उस पर हम इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको डुबो देंगे और इसको डुबोने के बाद देखेंगे आप ये जो है पिघलना बंद हो जाएगा। और मैं आपको इसको थोड़ी देर रख के भी दिखाऊंगा। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से नमक के साथ लपेट दिया है। ये देखिए मैंने इस पर अच्छी तरीके से नमक लगा दिया है। नमक लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रख देंगे एक डब्बे से। मैं इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से कवर कर देता हूँ ताकि इसमें एयर ना लगे। और इसी के साथ मैं आपको दूसरा भी एक और रख के दिखाने वाला हूँ। ये देखिए एक आइस क्यूब मैं साइड में रख देता हूँ। ये देखिए ये दोनों के साइज बिल्कुल बराबर है और इसको भी मैं ढक के रख देता हूँ और आप देखेंगे इन दोनों में से कौन सा सबसे पहले पिघलेगा। ये है हमारा नमक यानी कि सोल्ट वाला और ये है हमारा बिना नमक वाला। तो चलिए मैं इन दोनों को रखता हूँ और 15 या फिर 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट क्या रहेगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इसको रखे हुए 10 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका है। अब मैं आपको नमक वाला भी दिखाऊंगा और बिना नमक वाला भी दिखाऊंगा, इन दोनों में से कौन सा बर्फ जल्दी पिघला है और कौन सा बर्फ जल्दी नहीं पिघला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जिसमें मैंने नमक नहीं डाला है उस बर्फ को। ये आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये लगभग आधा हमारा पिघल चुका है। ये आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए आधा हमारा बर्फ पिघल चुका है। वहीं हम दूसरे बर्फ की बात करते हैं जिसमें हमने नमक डाला है। तो ये क्या हमारा नमक वाला बर्फ भी पिघला होगा या नहीं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने जैसे कि डब्बा हटाया, आप देख सकते हैं जो हमने नमक डाला था वो बर्फ भी हमारा बिल्कुल पिघल चुका है। ये देखिए सिर्फ हमारे पास ही नमक ही दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आखिर ऐसा क्यों हुआ है आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप इसको YouTube पर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पर देखना है तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी नए एक्सपेरिमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।